दोस्तों, इस आईपीएल टीम को सपोर्ट करता है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के नाती की है पूरी टीम। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सीजन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन का समय बाकी है। ऐसे में सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी के क्रिकेट समर्थक अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको आईपीएल 2024 के सीजन में मौजूद एक ऐसी फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाले हैं जिनको न सिर्फ भारत के लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलेगा, बल्कि इस फ्रेंचाइजी को भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी पूरा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस फ्रेंचाइजी का पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना के नाती के साथ है खास संबंध। दोस्तों, आईपीएल क्रिकेट में साल 2008 से मौजूद फ्रेंचाइजी जिसका नाम पहले किंग्स 11 था, इस टीम के मालिकाना हक की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी में कुछ शेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के हैं, लेकिन इस फ्रेंचाइजी के अधिकतर शेयर नेसवाड़िया के पास है। आपने काफी बार नेसवाड़िया को मैदान पर पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हुए देखा ही होगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये जानकर कि पंजाब किंग्स के मालिक नेसवाड़िया असलियत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना के नाती हैं। पंजाब किंग्स के मालिक नेसवाड़िया और मोहम्मद अली जिन्ना के संबंध को ठीक से समझे तो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी डीना ने नेविल वाड़िया से शादी की थी, जो पारसी धर्म में थे। डीना और नेविल वाड़िया के बेटे का नाम नुस्ली वाड़िया था। जब उनकी शादी मोरीन वाड़िया से हुई और उनका बच्चा हुआ तो वह नेसवाड़िया थे। इस लिहाज से मोहम्मद अली जिन्ना के पर नाती लगते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के मालिक नेसवाड़िया। आईपीएल क्रिकेट में बीते दो सीजन से पंजाब किंग्स की कप्तानी टीम इंडिया के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ही करते हुए नजर आ रहे हैं। शिखर धवन ने पिछले वर्ष भी पंजाब किंग्स के लिए अच्छी कप्तानी की थी, लेकिन टीम प्ले ऑफ स्टेज में क्वालिफाई करने से चूक गई थी। साल 2024 में शिखर धवन चाहेंगे कि टीम उनकी कप्तानी में आईपीएल 2024 का सीजन अपने नाम करे और पहली बार शिखर धवन पंजाब किंग्स को आईपीएल चैंपियन बनवाए। शिखर धवन है इस टीम में मौजूद। इस टीम में मैथ्यू शॉर्ट हैं। इस टीम में आपको लिविंगस्टन मिल जाएंगे, अर्शदीप सिंह मिल जाएंगे, सैम करन है, रबाडा है। इस टीम की अच्छी है कॉम्बिनेशन। तो इस टीम में जो भी है तो इस बार चाहेगी पंजाब किंग्स की इस बार ट्रॉफी अपने नाम करे, क्योंकि ये सीजन ना पंजाब किंग्स किसी भी हाल में चाहेगा जीतना, क्योंकि शिखर धवन का भी ना करियर अब बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा है, क्योंकि इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन और इंडियन टीम में वो काफी लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। तो इसीलिए शिखर धवन के लिए भी ये सीजन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और वो चाहेंगे कि अपनी कप्तानी में वो पंजाब किंग्स को विनर बनाए, तब जाके उनके दरवाजे खुल पाएंगे इंडियन टीम के लिए। लेकिन इतना आसान नहीं है ये सब, और अभी के वक्त में तो इंडियन टीम में सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और टीम का हिस्सा बना रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे कि जो कि डोमेस्टिक में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शिखर धवन सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में पूरे साल खेलते हैं, तब जाके उनको इंडियन टीम में अब खेलने का मौका मिलता है। तो इस लिहाज से सिर्फ आईपीएल ही नहीं रहा, अब सिर्फ आईपीएल में आप परफॉर्म करो और इंडियन टीम में जगह बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरे साल तक मेहनत करनी पड़ेगी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, तब जाके आप इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर पाओगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किंग्स 11 पंजाब इस बार आईपीएल के सीजन में कुछ कमाल कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस बार के आईपीएल में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।